दोस्तों एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी होने के बाद अब भारतीय फैंस भारतीय टीम को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। जैसे कि एसीसी ने एशिया कप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को अपना कंफर्म और फाइनल स्कोर जारी करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में 8 अगस्त का समय दिया है। पाकिस्तान पहली टीम है जिन्होंने अपना 15 मेंबर कंफर्म स्कोर घोषित किया है। खबरों के अनुसार भारतीय टीम का ऐलान वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें T20 के बाद होगा। इससे पहले चयनकर्ताओं को कई सवालों के सॉल्यूशन निकालने होंगे, क्योंकि एशिया कप के लिए जो टीम इंडिया का स्क्वाड होगा लगभग वही सेम स्क्वाड जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा। जो कि दोस्तों टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो इससे पहले कई खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई अधिकारियों ने बड़े खुलासे किए हैं, बड़ी अपडेट दी है जो कि हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। केएल राहुल की फिटनेस को लेकर हो, दीपक चहर के सिलेक्शन को लेकर हो या फिर हर्षल पटेल की फिटनेस को लेकर हो, सारी खबरें हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट संभावित स्क्वाड भी बताने वाले हैं जो कि लगभग 100% कंफर्म होगा। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा। कमेंट में जरूर से बताएगा कि आपके हिसाब से एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पेस्ट अटैक क्या होना चाहिए। कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर से दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एशिया कप से जुड़ी पल पल की खबरें आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों खबरों के अनुसार एशिया कप के लिए बीसीसीआई चयनकर्ताओं की बैठक 8 अगस्त को मुंबई में होगी, जहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ फ्लोरिडा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। दोस्तों बीसीसीआई चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी दो T20 गौर से देखेंगे, क्योंकि इसी से टीम इंडिया की पेस अटैक तय होगी। जो कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया के पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कंफर्म है। बीसीसीआई अधिकारी के अनुसार चयनकर्ता अर्शदीप सिंह को एशिया कप के लिए कंसिडर कर रहे हैं। जो कि अर्शदीप सिंह ने कप्तान को कभी निराश नहीं किया है, उन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है और विकेट भी चटका के दी है। तो अर्शदीप सिंह का नाम एशिया कप के स्क्वाड में लगभग कंफर्म है। वहीं दोस्तों यहां पर सोर्सेज से खबर आई है कि मोहम्मद शमी एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ताओं के रडार में नहीं है। चयनकर्ता उन्हें टेस्ट और ओडीआई तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों हर्षल पटेल का नाम स्क्वाड में कंफर्म है अगर वो फिट होते हैं तो। दोस्तों बता दें कि हर्षल पटेल रिब इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 3 T20 के लिए उपलब्ध नहीं थे। अब अगर वो आखिरी 2 T20 के लिए भी फिट नहीं होते हैं तो हर्षल पटेल की जगह स्क्वाड में बनना मुश्किल होगा। दोस्तों सोर्सेज के अनुसार दीपक चहर भी एशिया कप के लिए चयनकर्ताओं के रडार में है। दीपक चहर की काफी समय बाद जिम्बाब्वे सीरीज में वापसी होगी, ऐसे में अगर हर्षल पटेल फिट होते हैं तो दीपक का मेन स्क्वाड में जगह बनना तो मुश्किल होगा। हाँ, रिजर्व में वो शामिल हो सकते हैं। अवेश खान की वेस्टइंडीज सीरीज अच्छी नहीं रही तो उन्हें मेरे हिसाब से एशिया कप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यहाँ पर वाइस कैप्टन को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे बीसीसीआई में हार्दिक पांड्या को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के नए उपकप्तान के रूप में नामित करने पर चर्चा चल रही है। दोस्तों केएल राहुल ने इंजरी की वजह से काफी क्रिकेट मिस किया है और एशिया कप में उनकी उपलब्धता अगले कुछ घंटों में लिए जाने वाले फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट पर निर्भर करेगी। ऐसे में हार्दिक पांड्या एशिया कप में टीम इंडिया के उपकप्तान के रूप में शामिल हो सकते हैं। हालांकि केएल राहुल फिट होते हैं, टीम में शामिल होते हैं तो फिर यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर एशिया कप में टीम इंडिया की उपकप्तानी कौन करेगा। तो चलिए दोस्तों एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया के प्रोबेबल 15 मेंबर स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल फिटनेस के अधीन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई या रविचंद्रन अश्विन में से कोई एक, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल फिटनेस के अधीन। रिजर्व के तौर पर यहाँ पर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और दीपक चहर हमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं तो ईशान किशन मेन स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं और हर्षल पटेल को लेकर भी यही है कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो दीपक चहर मेन स्क्वाड में जगह बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से टीम इंडिया का स्क्वाड देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रोबेबल स्क्वाड है लेकिन लगभग कुछ इसी तरीके का स्क्वाड टीम इंडिया का रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से टीम इंडिया के कौन से 15 खिलाड़ी एशिया कप के लिए है, कमेंट में जरूर से बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी, आईपीएल से जुड़ी खबरें आपको वहां पर भी सबसे पहले मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।